यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन अ रिमोट कंट्री साइड, यहाँ कोरोना वायरस का नाम या तो सिर्फ टीवी पे सुनाई देता है या फिर जब मार्केट में जाते हैं ना तब। अदरवाइज यू आर सो डिटैच्ड एंड नेचुरली डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द केओस। बट देन ये अनसर्टेंटी का जो माहौल बना हुआ है ना, वो बड़ा डिप्रेसिंग लगता है। शायद वायरस से ज्यादा इस अनसर्टेंटी से डर लगने लगा है अब। लाइफ के ऑलमोस्ट हर सवाल का एक ही कांस्टेंट जवाब है, पता नहीं। कोविड का इलाज, पता नहीं। लॉकडाउन कब खुलेगा, पता नहीं। बिजनेस का फ्यूचर, पता नहीं। ट्रैवल प्लान्स का फ्यूचर, पता नहीं। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, पता नहीं। Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, it was just last week, not even last week I would say, 4 din pehle decide kiya tha aise hi aapse sab baat bhi ki thi ki ab ghar mein nahi rukenge. Now that this lockdown is over aur restrictions khulne lage to bahar niklenge apni risk pe aur kaam chalu karenge, fir se exploring chalu karenge. But I think this coronavirus had some different thoughts in mind. पिछले व्लॉग में मैंने जो बातें की थी आपसे उसको आपने सपोर्ट भी किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था जो थॉट्स मैंने पुटअप किए थे उस व्लॉग में। लेकिन वो व्लॉग पब्लिश करने के हार्डली 3 दिन बाद हमें मैसेज आ रहा है कि करजत पूरा जो तहसील है पूरा एरिया फिर से लॉकडाउन होने वाला है 15 दिनों के लिए। तो आज ये नए लॉकडाउन की बात करेंगे। बाय द वे, दिस प्लेस हियर राइट नाउ, ऐसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं मैं, प्रियंका और ईवा, तीनों जन। एंड दिस प्लेस यू माइट रिमेम्बर फ्रॉम लास्ट ईयर लद्दाख सीरीज जो पोस्ट किया था, उसमें पहले ही व्लॉग में ये पोस्ट प्लेस आपने देखा था। दिस इज़ वेयर वी कम एवरी ईयर फॉर गणपति विसर्जन। चलते चलते हमारा मॉर्निंग वॉक हैज़ टर्न इन टू अ मॉनसून पिकनिक। सी दिस, झाल्या का दोघींच्या आंघोळी? मशी धुवायला आणल्यात नदीवर। नक्की कोण कोणाला घेऊन चाललंय? Without you I would be nothing. That's why I keep you around. The thought of you is the reason why I hold my head up. The thought of you is the light in my life. The thought of you is the only thing that makes me better. The thought of you is what keeps me alive. There's a big difference in situation from 2 days back और आज की situation. 2 दिन पहले तक ऐसा था कि lockdown तो खुल चुका है, मतलब restrictions lift होना चालू हो गया है, and now it is up to us. हमारा choice है कि हमें घर पे रुकना है या बाहर निकलना है, explore करना है या थोड़ा safety का ध्यान रख के घर पे ही रुकना है. लेकिन अब अगर वापस lockdown impose हो जाता है तो it is like a law and order situation. मतलब 15 दिन lockdown है, government has enforced it, तो उसको तोड़ के आप बाहर नहीं निकल सकते, देन इट बिकम्स अ व्हाट यू कॉल अ रूल ब्रीच। अभी तक फॉर्मल अनाउंसमेंट तो आया नहीं है, लेकिन इफ इन केस इट हैपेंस तो अगले 15 दिन तक वापस हमें घर पे ही बैठना पड़ेगा। मतलब 4-5 दिन पहले जो होप, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था एक ट्रैक करने के बाद, जो एकदम पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी, अभी वापस थोड़ा सा डाउन फील होने लगा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो सिस्टम को सपोर्ट करना ही अपने हाथ में है। जो भी है, जैसा भी है, जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन में से बाहर निकलना है, इस पैंडेमिक को ख़त्म करना है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और कह भी क्या सकते हैं। सो व्हाइल वी आर अगेन पुश्ड बैक इनटू अनसर्टेनिटी एंड लॉक्ड इन एट आवर होम, फैमिली के साथ कुछ और वक्त बिताते हैं, बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं, उनसे कुछ नया सीखते हैं, और जहाँ तक हो सके इस अनसर्टेनिटी वाले डिप्रेशन को खुद से दूर रखते हैं।
बिकॉज कोरोना वायरस मे और मे नॉट हार्म यू, बट ये डिप्रेशन लाइफ लॉन्ग तकलीफ देगा. सो स्टे अवे फ्रॉम इट. टेक केयर एंड स्टे सेफ. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.